मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ, झालावाड़ डिपो से 12 बसें आपने 12 बसें पहले प्रश्न पूछे, पहले तो पहले प्रश्न संख्या बोले फिर बैठे आराम से। सॉरी सर, हाँ सर, प्रश्न संख्या 310। नो माननीय मंत्री जी, उत्तर पड़ा हुआ, प्रश्न पूछ लें आप। आप पूछो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि 12 बसें आपने दूसरे डिपो में भेज दी और आपने जवाब दिया कि कोई बस नहीं लगा जाएगा। मेरी विधानसभा में नंबर एक तो 12 बसें जो दूसरे डिपो में लगी वो वापस लगाई जाए, नंबर दो सबसे महत्वपूर्ण मेरे झालावाड़ से इंदौर बस चलती थी, एक चलती थी डग से इंदौर, एक चलती थी बारा अलोट और चोमेला से भवन मंडी और डग से चोमेला और भवन मंडी से झालावाड़ शटल सेवा, तो ये ग्रामीण क्षेत्र को इससे काफ़ी फायदा मिलता था। सारी बसों के लिए आपने मना कर दिया और आपने तो घोषणा पत्र में लिखा था कि ग्रामीण क्षेत्र में बसें चालू करेंगे। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, आप हमारी कम से कम दो बसें झालावाड़ इंदौर या डग इंदौर तो चालू करवाएं ताकि ग्रामीण क्षेत्र को इसका फायदा मिले। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये बसें भेजी गई थी, 8 बसें तो कोटा भेजी थी इनके यहाँ से कोरोना काल में और 4 राजसमंद भेजी थी। बहुत विकट स्थिति उत्पन्न हो गई थी, कोटा में बहुत छात्र थे जो दूसरे स्टेटों में जिनको भेजना था उसके लिए बसें भेजी गई थी। इसी तरह से राजसमंद में से भी बहुत लोगों का बाहर के लोग थे, उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए 2.5 साल पुरानी ये बात हो गई, इनमें से कई बसें चलन से बाहर हो गई, तो इसलिए हमने ये जवाब दिया है कि इनको वापस भेजा जाना संभव नहीं है। जहाँ तक आपके विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का सवाल है, अब भी 13 बसें वहाँ से चल रही हैं और झालावाड़ से 109 बसें चल रही हैं, जिसमें जो प्रसंगत मार्गों का आपने चर्चा करी है उन पर भी वो बसें जा रही हैं। इंदौर वाली बस की कह रहा हूँ मैं, डग से इंदौर मात्र 150 किलोमीटर है, वहाँ व्यापारी व्यापार करने जाता है और मरीज भी इंदौर दिखाने के लिए जाता है। माननीय महोदय, इंदौर की बसों के लिए धरना प्रदर्शन भी हुआ है, अखबारों में भी आया। तो प्रश्न पूछे कि डग से इंदौर की गाड़ी चलाते, डग से इंदौर गाड़ी चलती थी, झालावाड़ से इंदौर भी चलती थी, दोनों बसें बंद है तो आप इसको चालू कराए। जब तक आप कहेंगे, आप बोल रहे तो फिर का जवाब ही आएगा आपके। हम ग्रामीण बस सेवा मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की थी, उसके तहत हमने हमारी DPR बन रही है और उसमें आपके डग से झालावाड़ को जोड़ेंगे, जो आपको इंदौर वाली बस की भी सुविधा मिल जाएगी। अगला प्रश्न श्रीमती